उसमें मोटिवेट किसने किया, हालातों ने किया, मतलब ये तो था कि कुछ बड़ा करना है यहाँ से, मम्मी के लिए कुछ करना है यहाँ। बुरा वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। 22 साल के अलख पांडे ने अभी अभी कॉलेज से ड्रॉप आउट किया था, पिता इसके खिलाफ थे। अलख को सबसे ज्यादा इसी बात की फिक्र थी कि 2 लाख के स्टूडेंट लोन को वो कैसे चुकाएंगे। पिछले कोचिंग इंस्टीट्यूट में उन्हें 5,000 महीना मिल रहा था, सॉफ्टवेयर में दुगनी सैलरी की बात थी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। अलख पांडे का जन्म 2 अक्टूबर 1991 को उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर अलाहाबाद में हुआ। माँ रजत पांडे एक हाउसवाइफ हैं जिन्होंने फॉर्मल बीएड कर रखा था, और पिता सतीश पांडे का एक छोटा सा दुकान था जिसकी कमाई से घर के सारे खर्चे निकलते थे। अलख बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, साथ ही में उन्हें एक्टिंग का भी काफी शौक था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग बिशप जॉनसन स्कूल अलाहाबाद से की। जब वो 6th क्लास में थे तब पिता की हेल्थ अचानक से बिगड़ गई। मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चे को पूरा करने के लिए उन्हें अपना घर बेचना पड़ा। स्लम में एक किराए के मकान में फैमिली को रहना पड़ा। ठीक होने के बाद बचे पैसे से पिता ने एक बिजनेस किया, बिजनेस नहीं चली और उन्हें भारी नुकसान हुआ। 50 साल की उम्र में 4,000 के तनख्वाह के लिए उनकी माँ ने स्कूल में एज ए टीचर ज्वाइन किया। पिता ने उनसे कहा, हमारे पास तुम लोगों के स्कूल की फीस के लिए भी पैसे नहीं हैं। अलख और उनकी बड़ी बहन को अभी एहसास हुआ कि घर में दिक्कत आ गई है। उस दिन अलख ने ये ठाना कि कुछ बड़ा करना है, अपने फैमिली, अपनी माँ के लिए कुछ करना है। 8th क्लास में रहकर उन्होंने 4th क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। उन्हें पढ़ाने में मजा आने लगा, अपनी पढ़ाई पे भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया। अलख ने क्लास 10th में 91% और क्लास 12th में 93.5% स्कोर किया। जब वो 11th में थे तब उन्होंने क्लास 9th के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाया। उस कोचिंग सेंटर के मालिक ने उन्हें एक प्रोफेशनल टीचर के रूप में इंट्रोड्यूस किया। साइकिल से वो रोज 8 किलोमीटर ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। बच्चे उनके फिजिक्स पढ़ाने के तरीके से बहुत खुश थे, वो टॉपिक्स को बहुत इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाते थे। बच्चों के इस फीडबैक से उन्हें लगा कि हाँ, इस सब्जेक्ट में मेरी पकड़ है। जैसा कि इंडियन मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादातर पेरेंट्स बच्चों को मेडिकल या इंजीनियरिंग फील्ड में जाने को कहते हैं, साल 2010 में 12th पास करने के बाद अलख के पिता ने भी उन्हें इंजीनियरिंग फील्ड ऑप्ट करने को कहा। IIT JEE एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग सेंटर्स लाखों रुपए चार्ज करते हैं। अलख के फैमिली के पास उतने पैसे नहीं थे, उन्होंने सेल्फ स्टडी किया। IIT JEE तो क्रैक नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जाम में उनके अच्छे नंबर आए। बैंक से 1,80,000 के लोन को लेकर पिता ने साल 2011 में उन्हें HBIT कानपुर में एडमिशन करवा दिया। फिजिक्स सब्जेक्ट में रुचि के वजह से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ऑप्ट किया। एक्टिंग के दीवाने तो वो थे ही, कॉलेज में उन्होंने बहुत सारे स्ट्रीट प्लेज में हिस्सा लिया। कॉलेज के पहले साल जहां ज्यादातर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, अलख अपने क्लास के टॉपर थे। जब सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आए तो उन्होंने देखा कि कॉलेज में प्रैक्टिकल्स के लिए प्रॉपर मशीन्स नहीं हैं, टीचर अब भी ज्यादातर थ्योरी ही पढ़ा रहे थे। सीनियर्स और ग्रेजुएट स्टूडेंट से बात करके उन्हें पता चला कि यहाँ की थ्योरेटिकल पढ़ाई आगे काम नहीं आएगी और प्रैक्टिकल यहाँ होती नहीं है। उन्हें यहाँ अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा था। 3rd ईयर में अलख ने अपने जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लिया, लेकिन कॉलेज और स्कूल का लोन एक बोझ था। बड़ी बहन से बात करके उन्होंने वो डिसीजन लिया, उन्होंने कॉलेज को ड्रॉप किया। चाय वाले की दुकान पे चल रही बहन से बात में बहन ने पूछा, तो आगे क्या करोगे, चाय वाला बनोगे? अलख ने कहा, नहीं, फिजिक्स वाला बनूंगा। यहाँ से फिजिक्स वाला की नींव रखी गई। अलख बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में फिजिक्स पढ़ाने निकल पड़े। पिता नाराज थे, लेकिन अलख को पता था वो क्या कर रहे हैं। अलाहाबाद आके उन्होंने एक कोचिंग सेंटर में फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया। महीने के उन्हें 5,000 रुपए मिलते थे। घर में अब भी पैसे की दिक्कत थी। अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए फरवरी 2014 में अलाहाबाद के सॉफ्टवेयर कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक आमिर फारूकी से उन्होंने बात की। 15,000 महीने पे बात पक्की हुई और फारूकी जी ने उन्हें एक बाइक भी दिया जिससे वो आना जाना कर सके। इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग पढ़ाने के तरीके से बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे। पढ़ाने में थोड़ा बहुत एक्टिंग का भी तड़का रहता था। उन्होंने यूट्यूब जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ट्राई करने का सोचा। 2014 में उन्होंने अपना यूट्यूब अकाउंट फिजिक्स वाला बनाया, जहां IIT JEE और NEET के कोचिंग सेंटर्स पूरे कोर्स के लाखों चार्ज करते थे। अलख सर उसमें से एक सब्जेक्ट की पूरी कोर्स फ्री में यूट्यूब पे अपलोड कर रहे थे। एक छोटे से कमरे में व्हाइट बोर्ड, ट्राईपोर्ड और फोन से उन्होंने वीडियोज अपलोड करना शुरू किया। पहले साल उन्हें कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। आधे दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन क्लासेज लेना और रूम पे आके यूट्यूब के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करना। फाइनली साल 2016 में उन्हें ग्रोथ दिखा।
एक साल में उनके 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए। ऑनलाइन बच्चों के फीडबैक और यूट्यूब पे ग्रोथ के स्कोप को देखते हुए उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग को छोड़ फुल टाइम ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाने का डिसीजन लिया। पिता ने फिर वही कहा, ये बहुत रिस्की है, ऐसा मत करो। लेकिन अलग सर का विजन क्लियर था। एक छोटे से कमरे में बंद होकर 1.5 साल उन्होंने जेई नीट लेवल की फिजिक्स की पूरी वीडियोस यूट्यूब पे डाली, किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। साल 2019 में उनके यूट्यूब चैनल पे 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। साल 2020 में जब पेंडेमिक आया और सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए यूट्यूब पर आए, तो उन बच्चों को फिजिक्स तो बहुत बढ़िया से समझ आ रहा था, पर बच्चों ने पूरी कोर्स के लिए ऑल इन वन प्लेटफॉर्म का डिमांड किया। जून 2020 में अलग सर ने फिजिक्स वाला ऐप लॉन्च किया, जिसमें लाइव ऑनलाइन क्लासेस होनी थी। जहां एडटेक जायंट्स इसी चीज की सालाना हजारों चार्ज कर रहे थे, वहीं अलग सर ने इसकी सालाना प्राइस 999 रखी, एक साल का सिर्फ 999, जिससे सभी बच्चे इसको अफोर्ड कर सके। पहले दिन 2 लाख बच्चों ने इनरोल किया। अलग सर और उनके टेक टीम ने इतना ह्यूज रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं किया था। पहले ही दिन सर्वर क्रैश हो गया, दूसरे दिन फिर यही हुआ, 4 दिन लगातार ऐसा ही हुआ। अलग सर ने टेक टीम से इसको जल्दी से ठीक करने को कहा, बच्चों को ऐसा ना लगे कि उन्हें चीट किया गया है। उन्होंने सभी को पैसे रिफंड कर दिए। जब टेक्निकल ग्लिच ठीक हुआ, तब वापिस से बच्चों ने ऐप पे इनरोल किया एंड फिजिक्स वाला वॉज बैक इन एक्शन। फरवरी 2021 में जब अलग सर के यूट्यूब चैनल पे 4.2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए थे, तब एक बहुत ही नामी एडटेक जायंट ने उन्हें 75 करोड़ का ऑफर दिया और उन्हें उनकी कंपनी को ज्वाइन करने को कहा। ये उनके सिद्धांतों के खिलाफ था, उन्होंने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। ईगो में आके उस कंपनी ने फिजिक्स वाला के टीचरों को करोड़ों का ऑफर देकर अपने कंपनी में बुला लिया। सभी कहने लगे, फिजिक्स वाला तो गरीब कंपनी है, अब PW खत्म। लेकिन अलग सर ने गिव अप नहीं किया और कहा, अब एक लेकर जाओगे मैं 100 अलग पांडे फिर से खड़ा कर दूंगा। और उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। आज फिजिक्स वाला के 7 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, कंपनी में 1600 से ज्यादा इम्प्लॉइज, 400 से ज्यादा टीचर्स और कंपनी ने 350 करोड़ का रिवेन्यू किया। ऐप लॉन्च और क्रैश होने के 2 साल बाद जून 2022 में कंपनी के पास $100 मिलियन का फंड है और इंडिया की 101वां यूनिकॉर्न कंपनी बनी। इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। 2 बातें मैं आपको कहना चाहूंगा। पहली बात, अगर हम ईमानदार हैं, हमारी नीयत साफ है, तो हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें आ जाए, हमारे पास हमेशा आगे बढ़ने की एक अटूट ताकत रहेगी। वो कहते हैं ना, हम तो अकेले चले थे मंजिल की तरफ, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। दूसरी बात, ज्यादातर लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि अब्बा नहीं मानेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, माँ बाप हमारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। सवाल बस एक ही होता है, क्या हमें अपने आप पे भरोसा है? अलग सर के पिता अपने अनुभव, अपने फेलियर्स की वजह से उन्हें कह रहे थे, कॉलेज में पढ़ो, डिग्री लो और नौकरी करो, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे फेलियर्स देखे थे। ऑफलाइन कोचिंग छोड़ते वक्त भी उन्होंने इसीलिए मना किया। लेकिन अगर आपको अपने काम पे, अपने आप पे भरोसा है, तो पेरेंट्स को आपके आंखों में वो दिख जाएगा, फिर वो आपको नहीं रोकेंगे, क्योंकि वो आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। फरहान के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब उनके अब्बा ने उनकी आंखों में देखा कि फोटोग्राफी इनके लिए क्या मायने रखता है, तब उन्होंने उन्हें नहीं रोका। आपको अलग सर की सबसे बेस्ट डायलॉग कौन सी लगती है, नीचे कमेंट में लिखिए। तो ये थी कहानी एक ऐसे गुरु की, जिन्होंने इस देश को अब तक बहुत कुछ दिया। अपने इंस्पिरेशनल कहानी और मेहनत से काफी लोगों को ये बता रहे हैं कि एजुकेशन एक बिजनेस नहीं, एक सर्विस है। तो हम लोग प्रे करते हैं अलग पांडे सर यूं ही गांव-गांव, घर-घर अफोर्डेबल प्राइस में एजुकेशन प्रोवाइड करते रहें, PW और भी बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस बनाए, क्योंकि PW इज। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।